हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरी इवनिंग का टाइम है, अभी मेरी मतलब रिव्यूज़ का मैं वीडियोस बनाती हूँ मेन अपने चैनल पे। तो वो करने की प्रिपरेशन कर रही थी, बट बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, तो बस मैंने एक जस्ट रील्स बनाया है और फिर मैं बना ही नहीं सकी। किचन पूरी तरह से अभी फैला हुआ है एंड बस अब मैं ये मतलब चाय बनाऊंगी, फिर रात का खाना बनाना है। अभी वो सब काम बचा हुआ है किचन में, ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप पूरी मैसी वो रखी है। तो ये सब कुछ अभी मुझे ही करना है, तो मैंने सोचा पहले रिव्यू कर लूँ तो ही, बट रिव्यू करने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग से बातें शादी कर ली जाए, आप लोगों से अपनी मतलब सारा दिनचर्या बताया जाए। तो गाइज़, आप लोग सब अब कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सी ये जी बेटा, किसके साथ? ठीक है, अभी रुको मैं पापा के लिए चाय पहले बना लूँ। यस यस, पापा के लिए पहले चाय बना लूँ, किचन भी साफ करना है मुझे। तो गाइस, तो मेरी चैनल पे क्या आपको रिव्यूज़ में अच्छा लगता है, सॉरी रिव्यूज़ के लिए तो वही आई ही, बट व्लॉग में क्या देखना चाहते हो, किस चीज़ के लिए, तो ये सब सब जरूर बताइएगा। पापा पियेंगे ये चाय, बहुत गर्म है। नहीं व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ ब्रो? देखिए रूम में भी सब चीज़ें हैं ना फैली हुई, मैं यहाँ पर स्टैंड लगा के वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी बट बना नहीं, और उसको भी पढ़ाई भी करवा रही हूँ पर वो पढ़ ही नहीं है। क्या देखो ये कितना अच्छे से झूला झूल रहा है। बोलो कितना अच्छे से झूल रहा है। और जाम कहाँ है? पूरा बुक वगैरह तुम फैला के रखती हो। अधू आ जाओ, चलो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। सिलेबस यहाँ से हटा लेना, बेटी का एग्ज़ाम होने वाला है, सो सिलेबस मिल चुका है ऑलमोस्ट, तो उस पर भी अभी काम मतलब पढ़ाना है उसको, तो इसके कारण मैं ज़्यादा वीडियो और व्लॉग अभी नहीं बना पा रही हूँ।
सो गाइज तो नेक्स्ट डे हो गया और मैंने दिन भर कोई व्लॉग शूट नहीं किया, संडे थी तो मैंने सोचा पूरी घर की साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ फ्रिज से मैंने अपनी सफाई स्टार्ट की थी, फ्रिज साफ़ करने में ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लग जाते हैं और मुझे कुकिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, और टाइमिंग पे अगर खाना ना बने तो वो भी एक बहुत बड़ी आफत है। सो गाइज यहीं पर मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ, अगर आप भी अगर फ्रिज क्लीन कर रहे हो तो आपने जो पानी लास्ट में जो पोंछते हैं ना, जैसे क्लीन करते हैं एक सूखा कपड़ा लेके, तो उस पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे ना तो वो खुशबू अच्छी होगी। तो गाइस तो जिस दिन मैंने पूरा घर का क्लीनिंग वगैरह करनी थी, फ्रिज वगैरह साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, इतना बड़ा उस फ्रिज को साफ़ करने में अल्हम्दुलिल्लाह मगर बहुत टाइम लग जाती है, तो फिर ये इनको बाहर जाने का हम लोगों को टाइम नहीं मिला ये संडे को, तो फिर मैंने इन्होंने डिसाइड किया मेरे हस्बैंड ने कि चलो बिरयानी पैक किलो से ऑर्डर करते हैं फूड। तो हम लोग फर्स्ट टाइम बिरयानी पैक किलो का खाना ऑर्डर किए थे, मतलब इस तरह का पूरा कॉम्बो, इससे पहले हम लोग एक बार ओनली बिरयानी खाए थे, बट इन्होंने डिसाइड किया इस बार हम लोग थोड़ा सा इसका एक मील भी लेते हैं और हैदराबादी और लखनवी बिरयानी दोनों ट्राई करते हैं। और इससे पहले वाला मैंने जो कोलकाता बिरयानी मंगाया था और हैदराबादी, वो अच्छा लगा, बट इस बार जो इन्होंने लखनवी और हैदराबादी मंगाया ना, मुझे इन दोनों में से किसी का टेस्ट उतना ख़ास नहीं लगा। और एक कॉम्बो थी जिसमें एक पराठा भी था और कबाब थे, यू फिश फ्राई थी और सामी कबाब थी और सारी बहुत सारी सॉसेस चटनीज और ये सब था, बहुत टेस्टी है, यू मस्ट ट्राई। इन धनबाद में अभी न्यू लॉन्च हो गया है बिरयानी पे किलो और देख सकते हैं आप, बाकी अब पे अब जाके जाने का मतलब वो बैठ के खाने की नहीं है, वो अब खाएंगे। हे गाइस तो ये मेरी बेटी का लाइफ का फर्स्ट असाइनमेंट जो इसे स्कूल से मिला था वो एम और एन ये गार्डनिंग को प्रेजेंट करते हुए, तो इसे मैंने हेल्प किया है बनाने में अदारा की, और उसकी सना जान ने जो उसे बहुत हेल्प की है, मतलब वो पूरा आइडिया उसी का ही था, बस मैंने ये सीड्स वगैरह ले आई और अदारा साथ में थी, यू नो अभी छोटी है वो इतना शेप्स नहीं दे पाती, बट उसका भी छोटा सा भी एक अचीवमेंट ये करो तो वो बहुत खुशी देता है, तो ये उसकी थी अचीवमेंट जो हम कल स्कूल में सबमिट करेंगे, तो मैं उसकी भी छोटी सी एक व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आप लोग से भी शेयर कर पाऊँ। वेरी गुड। अर्जाम कहाँ है बेटा? बेटा डालो उसे, भाओ इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम? इतना सारा पाउडर कहाँ से आया? कहाँ से? कौन दिया? बाबू। कौन दिया? बाबू। कौन बाबू? हानिया, तुमने दिया इसे? नहीं, 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 है। सच बोलो। सच में बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जम लिख करने की चीज नहीं है, चिच्ची बात, चलो दो मुझे। हे गाइस तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल, लव यू गाइस।